हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमके वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके वीडियो पे कॉपी कलम लगता है तो कॉपी कलम को कैसे हटा सकते हैं बिना वीडियो को डिलीट करें। जी हां दोस्तों, आप कॉपी कलम को हटा सकते हैं वो भी बिना वीडियो डिलीट करें। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे, कॉपी कलम को हटाने पर। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों ऐसा आपके मददगार आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो नोटिफिकेशन ऑन करने से मेरे वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, क्योंकि आप सोचते होंगे कि यहाँ पे जो मोबाइल में यूट्यूब का ऐप्स दिया हुआ रहता है वहाँ से कॉपी कलम हटा ले, तो ऐसा नहीं है, वहाँ से कॉपी कलम नहीं हटा सकते। आपको डैशबोर्ड ओपन करना होगा, तो आपको जाना होगा पहले गूगल में। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब डेस्कटॉप। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से YT स्टूडियो अपलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट द ऐप। ठीक है दोस्तों, YT स्टूडियो क्या है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पर अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट्स करिएगा तो ही हमको पता चलेगा ना। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा आपको YT स्टूडियो पे वीडियो का ज़रूरत है, इसके बारे में जानना है, क्योंकि YT स्टूडियो आपके वीडियो को मैनेज करता है, सारा चीज़ आपको दिखवाता है कि आपका वीडियो कितना रैंक कर रहा है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कहां कहां से सर्च किया जा रहा है आपके वीडियो को। YT स्टूडियो ऐप अपने फ़ोन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आपको जाना है यहां पे, आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, यहां पे क्लिक करके आपको जाना है डेस्कटॉप साइट पर, इसे ओके कर देना। डेस्कटॉप साइट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डेस्कटॉप साइट, इसे ओके कर देना। ठीक है, ओके करने पर आपका पूरा स्टूडियो डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, वहां से आप कॉपी कलम हटा सकते हैं। देखियो, मैं जिस तरह से कर रहा हूं उसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे जाएंगे हम वीडियो में और वीडियो मैनेजर में, ये वाला ऑप्शन पे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड करा है और यहाँ पे कॉपी कलम देखिए लग चुका है। कॉपी कलम कब लगता है? कॉपी कलम ज़्यादातर ऑडियो में ही लगता है, कोई सॉन्ग में, वीडियो में तो कम ही लगता है। तो कोशिश करिएगा, जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो अगर कहीं से यूट्यूब वगैरह से वीडियो अपलोड करके उसको ही अपने वीडियो में मर्ज कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, तो उसका जो ऑडियो होगा उसे सेपरेट करके 4-5 भागों में बांट दीजिएगा, छोटा छोटा पीस कर दीजिएगा, ताकि वो कॉपी कलम को दर्ज ना कर पाए यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप YouTube से वीडियो डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं और कॉपी कलम भी आपके वीडियो पर ना आए। ठीक है ना, ये मेरे वीडियो में आ चुका है क्योंकि मैंने ज़्यादा ही बड़ा कुछ कट कर दिया था इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉपी कलम को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है, इस कॉपी कलम जो जहाँ लिखा हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि सी डिटेल्स पे हमें फिर से क्लिक करना है, फिर लर्न मोर पे हमें क्लिक करना है। देखिए, कॉपी कलम समरी एंड स्टेटस आ गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सब दर्शाता है कि कहाँ कहाँ आपके वीडियो पर जो है कॉपी कलम लगा है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों,
ये इतना जो दिखा रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इतना इतना भाग पे वीडियो पे जो है कॉपी कलम लगा हुआ है। और ये किस चीज़ पे वीडियो पे कॉपी कलम लगा है कि ऑडियो पे, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑडियो कलम लगा है, नहीं कलम टाइप बता रहा ना, यहाँ पे ऑडियो पे ही लगा है, ठीक है? तो इसे हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक मिनट इसे काट देते हैं, ठीक है? इसे हटाने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट एक्शन, सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? सेलेक्ट एक्शन, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन होंगे, या तो आप जहाँ पे कॉपी कलम लगा है उसे कट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसे रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा ऐड कर सकते हैं सॉन्ग को, या फिर उसे म्यूट कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता हो वो कर सकते हैं, तो मैं तो म्यूट करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप अपने ऑडियो को कॉपी कलम हटाना है तो उसे ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करिएगा तो वीडियो आपको जो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा जो पहले आपने बनाया है, और कुछ जो आप इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ऐड करा है वो भी हट जाएगा उसके साथ में। और रिप्लेस करिएगा तो रिप्लेस में भी आपको जो है मनचाहा ऑडियो नहीं मिल पाएगा। तो मनचाहा नहीं मिलने से बढ़िया है कि हम उसे म्यूट ही कर दें, नहीं तो म्यूट कर देते हैं, ओके? म्यूट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है? इसे जूम आउट कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, शो कर रहा है म्यूट, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन पे, ठीक है, म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्लेस। क्या जब आपका वीडियो प्ले होगा तो क्या सारा जो है शुरू से अंत तक जितने भी आपके वीडियो में ऑडियो डाला हुआ है उसे सारा म्यूट करना चाहते हैं आप? नहीं ना, आपका जितना क्लेम लगा है उतना ही म्यूट करिएगा ना। तो मैं भी तो वही करने वाला हूँ, मैं भी जितना क्लेम लगा है उतना ही ऑडियो को म्यूट करूँगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सेकेंड वाला म्यूट सॉन्ग ओनली, यहाँ पे देखिए रिमूव द क्लेम्ड सॉन्ग ओनली, ठीक है, कीपिंग द रेस्ट ऑफ द साउंड, ठीक है? तो अब हम इसी वाले ऑप्शन पे ओके कर देंगे और कंटिन्यू पे ओके कर देंगे, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिख रहा है म्यूट सॉन्ग ओनली, जो जितना क्लेम लगा है उतना ही आप ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं, तो म्यूट कर देते हैं यहाँ पे। और कुछ प्रोसेस ये अपनाता है, लेता है कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेता है, और उसके बाद जो है हमारा कॉपी कलम भी हट जाता है और वो ऑडियो भी म्यूट हो जाता है, ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और हाँ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये जो आप सोचते होंगे कि लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोग को पैसा मिलता होगा, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। पैसा तो हम लोग कमाने के लिए ये काम करते ही हैं, बात तो सही है, लेकिन साथ साथ में आप लोग को भी मदद हो जाए इसलिए इस बेस पे भी हम लोग वीडियो को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, ये रॉन्ग थिंकिंग है, तो मन में नहीं लाना है। तो आपका सब्सक्राइब और लाइक लाइक करने से दोस्तों हमें प्रेरणा मिलता है एक प्रकार का, कि लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, हमारा वीडियो, तो और आगे अच्छा करेंगे, नहीं और अच्छा से वीडियो आप ही लोग को, तो आप ही लोग के लिए बनाएंगे, नहीं? तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और बस इतना ही।